देखो, साउथ मूवीज़ का बहुत बड़ा फैन मैं भी हूँ, और हाल ही में यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में स्क्रॉल करते करते एक मूवी का टीजर देखा जिसका नाम था मार्टिन। विजुअल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हेडफोन्स लगाकर देख रहा था, विश्वास करो रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी मुझे लगा इससे इंस्पिरेशन लेके मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के एंडिंग में मैं एक ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा जिससे तुम किसी भी हैंडहेल्ड वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन में कन्वर्ट कर पाओगे, तो एंड तक बने रहना। अब डिसाइड तो कर लिया था कि कुछ ना कुछ जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन क्या वो पता नहीं है। तब मैंने गहराई से सोचा कि रोंगटे क्यों खड़े हुए थे, और वीडियो को फिर से देखा, देन रियलाइज हुआ इसका साउंड डिजाइनिंग खतरनाक है, और फाइनल कर लिया इसका साउंड डिजाइनिंग स्टाइल को लेकर ही कुछ करूंगा। यूट्यूब पर जाकर फटाक से डाउनलोड कर लिया टीजर वीडियो को, देन प्रीमियर के अंदर वीडियो फाइल को ओपन करके हेडफोन्स लगाकर ऑब्जर्व करने लगा। कुछ देर बाद सिमिलर टाइप का म्यूजिक ढूंढने लग गया। सडनली एक चीज ख्याल में आया, सिर्फ साउंड डिजाइनिंग से क्या होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ विजुअल भी तो दिखाना पड़ेगा। टीजर में जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा इंटेंस एंड ड्रामेटिक है, और इस टाइप का साउंड के साथ क्या अच्छा लग सकता है, अब वो सोचने लगा। एक बार लगा शायद प्रोडक्ट भी रोल चलेगा, फिर लगा नहीं उससे अच्छा होगा बाइक का सिनेमेटिक शॉट और राइडिंग वगैरह कुछ दिखा पाए तो। ये आइडिया सही लगा और काम चालू। लेकिन अब सामने आया दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पहला, मेरे पास तो स्कूटी है, बाइक कहाँ से लाऊं। निराश होने ही वाला था तभी याद आया बड़े भैया के बारे में जिनके पास था रॉयल एनफील्ड। कॉल लगाया उनको, आइडिया के बारे में बताया। वो मान गए और एक्साइटेड भी हो गए। ये तो गया, अब दूसरा प्रॉब्लम है शूट किस पर करूं, क्यों कैमरा पे इमेज स्टेबिलाइजेशन नहीं है, और स्टेबिलाइजेशन के बिना एक भी फुटेज यूजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हाथ से ही करना है पूरा वीडियो को शूट, तो फोन से कर ले। हाँ, फोन पर स्टेबिलाइजेशन है, बट सिर्फ 1080p पर, जिसका क्वालिटी पूछो मत, और रात में तो अनयूजेबल। बट एक अमीर दोस्त है जिसके पास iPhone 12 है, और उस पर 4K 60fps with stabilization। तो दोस्त को WhatsApp पे मैसेज किया और वो मान भी गया। अब जाकर काम को चालू कर सकते हैं। शूट के पहले ही टीजर के जैसा म्यूजिक ढूंढना पड़ेगा, तो चला गया अपबीट पर, और घंटों लगाया म्यूजिक ढूंढने में, क्योंकि इस डिश में मेन इंग्रेडिएंट म्यूजिक ही है। फाइनली 7 म्यूजिक सिलेक्ट किया, बट उसको डाउनलोड करने के समय 4 डाउनलोड करने के बाद लिमिट पूरा हो गया, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं था। तब दोस्त का अकाउंट बनाया अपबीट में, और उसके अकाउंट से बाकी म्यूजिक डाउनलोड किया। अगले दिन शाम को UPS और सॉफ्टबॉक्स लेकर चला गया शूट पे, और पहले दिन ये समझने में ही बीत गया कि कौन सा एंगल अच्छा लगेगा और उसको कैसे शूट करना है, क्योंकि कोई प्री प्लान। नेक्स्ट डे साउंड डिजाइनिंग के ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया। अब देखो, साउंड डिजाइनिंग एक बहुत गहरा टॉपिक है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए, बट इस वीडियो का साउंड डिजाइनिंग करते वक्त मैंने दो नए चीजें सीखा। पहला तो रेजर और हिट्स का यूज करना, और दूसरा किसी भी म्यूजिक का लेंथ को छोटा करना। रेजर और हिट्स को यूज करके हम किसी भी इंटेंशन को और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। लाइक ये एक हिट साउंड इफेक्ट है, और मैंने इसको यहाँ पर यूज किया है इस बीट का इम्पैक्ट को और बढ़ाने के लिए। हिट साउंड के बिना इस ट्रैक को एक बार सुन लो, अब साउंड इफेक्ट के साथ सुनो। सिमिलरली यहां पर भी एक हिट एसएफएक्स यूज किया हूं इस बीट का इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दो अलग म्यूजिक के बीच में एक ट्रांजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये दोनों ट्रैक्स अलग अलग म्यूजिक के हिस्से हैं। रेजर को म्यूट करके सुनाता हूँ। अब एक बार सिर्फ इस रेजर को सुनो। अब दोनों अलग म्यूजिक के साथ इस रेजर को सुनकर देखो। सिर्फ इस साउंड इफेक्ट को यूज करने से ही दोनों अलग अलग ट्रैक्स बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है। एक म्यूजिक का लेंथ को हम छोटा कर सकते हैं सही बीट्स पर कट करके। लाइक ये म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका लेंथ मेरे वीडियो के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो मैं इसके अंदर एक ऐसा रिदम ढूंढने की कोशिश करूंगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक से ख्याल करो, इस म्यूजिक का ये दोनों पार्ट्स सिमिलर है। एक म्यूजिक को बहुत बार सुनने के बाद तुम्हें वो पैटर्न दिखेगा। मैं यहाँ पर जल्दी दिखाने के लिए पहले से ही मार्कर्स लगा कर रखा हूँ, तो यहाँ पर एक कट करेंगे और सीधे चले जाएंगे दूसरे मार्क पर, और एक कट नाउ मिडिल वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे और एक साथ जोड़ देंगे। अब अगर प्ले करके देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने कट किया है। अब जाके एक हल्का पुल का स्ट्रक्चर आ गया है माइंड में कि किस तरह का शॉट चाहिए। उसी दिन शाम को बहुत देर तक शूट किया और कुछ बढ़िया क्लिप्स भी मिल गए। लेकिन कुछ ही देर बाद स्टोरेज फुल हो गया आईफोन का, क्योंकि 4K 60fps, और चार्ज भी खत्म हो गया यूपीएस का, तो सफर यहीं तक। फिर घर आके बहुत कोशिश करके रिसर्च करके iOS से विंडोज पे फाइल ट्रांसफर किया। तीसरे दिन दो नए लोकेशंस पे गए और बहुत सारा धूल उड़ाया। और कुछ एपिक शॉट्स भी मिल गया।
अब घर पे आके सारे क्लिप्स को लेकर सीधा प्रीमियर में डूब गए। एडिट करने के समय कभी कभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, लेकिन ज्यादा सताया नहीं। और इस पूरे सफर के एंड में मैंने हमने ये क्रिएट किया। और ऐसे ही नए सफर के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मेरे कुछ तूने कहा था एक ट्रिक दिखाएगा, हाँ हाँ देखो इस वीडियो को मैंने हैंडहेल्ड शूट किया है इसलिए थोड़ा बहुत सेक है। नाउ इसे स्लो मोशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल आर और स्पीड को 50% करके टाइम इंटरपोलेशन को ऑप्टिकल फ्लो पर सेट करेंगे। अब वीडियो में जो सेक था वो भी कम लग रहा है। ये पूरा क्लिप मुझे नहीं चाहिए, जितना चाहिए कट कर लेता हूँ। टेक्स्ट रिवील वाला इफेक्ट दिखाने के लिए क्लिप को रिवर्स कर लेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और रिवर्स स्पीड पर टिक करके ओके। क्लिप में अभी भी जो मूवमेंट्स बचा है उसको हटाने के लिए यूज करेंगे वार्फ स्टेबिलाइजर को, सर्च करके डाल देंगे इफेक्ट को, लेकिन तभी ये प्रॉब्लम दिखाएगा क्योंकि प्रीमियर दिखा रहा है हम स्पीड एंड स्टेबिलाइजेशन को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लो नेक्स्ट। अब वार्फ स्टेबिलाइजर आसानी से काम करेगा और हैंडहेल्ड वीडियो फुटेज भी मक्खन के जैसा स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे कुछ फेवरेट टेक्स्ट इफेक्ट देखने के लिए इस वीडियो को देख लेना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। लेकिन ज्यादा सताया नहीं।